दोस्तों, एनआईएस डीएलएड की यूपी टेट के लिए जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर एक और अपडेट आ गई है कोर्ट की तरफ से, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। दोस्तों, अब आप हमारे कोर्सेस अनअकैडमी ऐप और अनअकैडमी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर भी पा सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जुड़े हुए। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं तो रेफरल कोड हिमांशु लाइव का यूज़ जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अभी का जो अपडेट है वो ये है कि जो अगर आपको याद होगा तो हमने आपको दिन में एक वीडियो बना के दिया था और उसमें मैंने आपको बोला था कि 31 जनवरी यानी कि आज केस की सुनवाई होनी है, तो आज यूपी टेट में केस की सुनवाई होनी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं यहाँ पर भी आपको बता दूं कि इससे पहले बेसिकली फरवरी में, 10 फरवरी और उसके बाद सुनवाई होनी थी, जिसे कि जितने भी हमारे शिक्षार्थी बंधु हैं या जो वकील जुड़े हुए हैं उन लोगों ने इसको डेट को पुल करा के इसको जो है थोड़ा प्रीपोन्ड कर लिया और आज की डेट में ही सुनवाई की बात की। यानी कि अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं यानी कि 31 जनवरी को, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो बाद में मतलब पहले ऑलरेडी इसकी वीडियो आ चुकी है, तो सुनवाई होनी थी। लेकिन आज सुनवाई तो हुई, सब लोग गए भी, तो हुआ क्या? तो हुआ क्या, उसके लिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आज का आ चुका है। देखिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज का ये अपडेट है जो कि आज सुनवाई हुई, और यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट फिर से दे दिया गया है और वो है 5 फरवरी 2020। तो आज हुआ क्या, इस पर हमारी अखिलेश सिंह चौहान जिनसे बात हुई, और आज की जो पूरी बात है उसमें कुछ भी खास नहीं हुआ। ये केस जैसे ही सब लोग पहुंचे तो इवन केस की सुनवाई भी नहीं हुई, और जब ये लोग मिलने गए तो कुछ प्रायर केस थे जिस केस की सुनवाई कोर्ट में की गई, और जब यहाँ पर इसकी बारी आई तो इसको आगे बढ़ा दिया गया इस डेट को। तो अब ये जो है 5 फरवरी यानी कि 5 दिन बाद इसकी सुनवाई होनी है। तो आज कुछ नहीं हुआ, मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नकारात्मक बात बोली गई या नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ प्रायर केस थे जिस वजह से कि ये केस परमानेंट में बेसिकली इसको बोला जाता है, अगर आप हाईकोर्ट की भाषा में समझें तो इसको परमानेंट बोला जाता है, जिसमें कि परमानेंट में ये केस था और सिंगल बेंच का केस है, तो इसे 5 फरवरी 2020 को सुनवाई होगी ऐसा इसमें डाल दिया गया, और आगे की जो अपडेट है वो 5 फरवरी को ही आएगी। आज सब लोग गए थे क्योंकि सुनवाई का डेट था जो पिछला आपको हुआ था, कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव संकेत था कि डेट को प्रीपॉन्ड करा के आज का कराया गया था यूपी टेट के लिए। लेकिन फिर से इसे जो है अब यहाँ पर आगे की डेट पे घोषित कर दिया गया है 5 फरवरी को। अब यहाँ पर जो बड़ी बात दोस्तों है, जो मेन बात है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 तारीख को होती है तो यूपी टेट, इस बार जो यूपी टेट हुआ है उसका क्या होगा। मान लीजिए कि कोर्ट कह देती है कि हाँ चलिए यूपी टेट में मान्य होगी, ठीक है, जिसके चांसेस हैं, तो आगे अब इस बार जो यूपी टेट दिए हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप या अगर आपको पता हो तो कई जगहों पर यूपी टेट एग्ज़ाम सेंटर से शिक्षार्थियों को निकाल दिया गया था या एग्ज़ाम हॉल में जाने नहीं दिया गया था। पहली बात तो ये बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है कि उन्होंने उन्हें एग्ज़ाम में ही नहीं जाने दिया गया था। बेसिकली उनको कोई हक नहीं था उस समय में एग्ज़ाम में नहीं जाने देने का, उन्हें फॉर्म ही भरने नहीं देना चाहिए था। अगर ऐसा है तो अगर फॉर्म भर दिए तो एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था। और अगर मान लीजिए अब हाईकोर्ट बोल देती है कि यूपी टेट में अलाउ है, तो अगर वो लोग बैठे होते तो उनका अलाउ होता। रही बात जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके, क्योंकि कई सेंटर पर ऐसा हुआ था जिनको नहीं निकाला गया था, तो उनके जगह पे अगर अगर आप बात करते हैं तो उनको अब यहाँ पर ये देखना है कि आखिरकार हाईकोर्ट क्या कहती है। ये दो बात कह सकती है कि नहीं, इस बार जो यूपी टेट हुआ इस बार से मान्य नहीं होगा, अगली बार से मान्य होगा। अगर वो इस बार से मान्य करती है तो जो यूपी टेट में इस बार बैठ गए थे उनकी जो है उन पर सरकार को विचार करना पड़ेगा, लेकिन फिर से वो फंस जाएंगे जिनको कि सरकार ने निकाल दिया था। तो फिर यहाँ पर दो पक्षीय बातें हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन समझना जरूरी है कि अगर इस बार से ही वैलिडिटी देती, अगर मान लीजिए हाईकोर्ट में 5 तारीख को हाँ बोल दिया जाता है, तो इस बार से अगर वैलिडिटी दी जाती है तो इस बार से दो कैटेगरी के लोग हैं, या तो एग्ज़ाम दिए या तो एग्ज़ाम नहीं देने दिए, मतलब निकाल दिए गए। तो जो निकाल दिए गए उनके साथ क्या होगा अगर देने वाले को मौका मिला तो, और अगर अगली बार से मौका मिलता है तो फिर देखते हैं। लेकिन चांसेस तो है यहाँ पर कि हाई कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव संकेत आए, क्योंकि बिहार में भी अब यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रस्ताव है, और खास करके यूपी में बिहार का ही हवाला दिया जा रहा था, तो अब हमारे जो शिक्षार्थी बंधु हैं जिन लोगों ने केस किया है वो लोग भी बिहार का हवाला देंगे, बिहार का भी ऑर्डर रिलीज हुआ है ना।
तो जो कि हमने ऑलरेडी शेयर भी किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आगे चीज़ें पक्ष में होंगी। लगातार अपडेट के साथ और स्टडी के साथ आप योर ऑनलाइन पार्टनर पर बने रहें, और मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में। दीजिए इजाज़त, बाय, जय हिंद।